रश्मि का मंदाना जो है नेशनल क्रश चल रही है जी। बिल्कुल रश्मिका जी हमारी पिक्चर में, ये उनकी पहली हिंदी पिक्चर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मुझे पहले लगा कि ये है, मैंने कहा अरे अभी तो शुरू नहीं भाई, काम कर लो पहले, साथ 2008 में हमको एक लड़की मिले एक कैंटीन मतलब नुमा टपरी जिसे कह लें उस पे, और जो वहाँ पे बिस्किट चाय सिगरेट बेच रहे थे उन्होंने बताया हमको कि ये जो लड़का बगल में खड़ा है ये यशराज के लिए फिल्म कर। तो हमने पलट के देखा एक बहुत ही एकदम लंबे चौड़े गुड लुकिंग आदमी, हमने कहा कि अच्छा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये गलत बता रहे हैं, यशराज नहीं धर्मा के लिए। तो हमें लगा ऐसे ही फेंकते हैं लोग दिल्ली में बहुत ज़्यादा ना, तब हम भी 2-4 दिन ही हुए थे हमको दिल्ली आए हुए, वहाँ उनकी कोई डांस क्लास होगी। तो वो जो रैंडम लड़का हमको मिला था उस वक्त, वो उनका नाम है क्या है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। ठीक है हाँ भाई कैसे भाई, वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड। तो हमारा मिलना तय था तभी शायद भगवान ने हमको उस दिन वहां मुलाकात तब दिखाया टीजर। तो ये हम पूछना चाहेंगे जो आपकी जो वालदा हैं, जो मम्मी हैं आपकी जी, ठीक है, वो क्या करती हैं? मेरी मम्मी एक एक्चुअली मेरी माँ ने किया है कुछ सालों के लिए, जब मेरे डैड मर्चेंट नेवी में काम करते थे उन्होंने कुछ सालों के लिए एक बुटीक खोला था दोस्त के साथ। अच्छा, अदरवाइज शी इज अ होममेकर, दो लड़कों को संभाल रही थी। अच्छा, दोनों भाई आप जी? अरे हम भी तीन भाई हैं सर। अरे वाह। तो हमारी मम्मी कहती है कि दो लड़के हो गए 200 के बराबर लगते हैं, अब तीन हो गए तो तीन से तो बाद में आया हो। सो दो भाई जब एक साथ पलते तो कैमराडरी बहुत अलग होती है। जैसे मेरे जो है कि हमारे घर में बहन नहीं थी, हमारे घर में मेकअप का सामान और सेंसिटिविटी दोनों नहीं पहुंच पाए। बस ये सेम कंप्लेंट मेरी माँ भी करती है। हाँ, क्योंकि हम लोग दो भाई थे और मेरे डैड थे और सब वही कि यार कब मतलब कोई तो शादी करो, बच्चे हो। मेरे बड़े भाई जो है उनका भी एक उनके बच्चे हुए तो एक लड़का ही है। हाँ, नेफ्यू। तो हमेशा उनको वही लगती है मेरी माँ को कि कोई तो लड़की कर दो यार। करेगा, अभी भी उम्मीद है। तो आपके भाई क्या करते हैं? मेरा भाई दिल्ली में बैंकर है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। माशाल्लाह से देखिए ये एक पैटर्न है, यहाँ पे अंडरलाइन किया जाए, सारे लोग कॉपी निकालें अपनी, कि बड़े वाले भाई को जो है बैंकर बनना पड़ता है तभी छोटे वाले को एक्टिंग अलाउड होती है। ठीक है, ये एक उसको एक लिजिट काम करना ही पड़ता है, जैसे कुर्बानी देगा कौन, देगा कौन, देगा तो बड़े कौन? भाई ने दे दी ताकि छोड़ो ये वाह, इसको भी अपलोड किया जाए। बात सही है वैसे, करेक्ट बात सही है। ऐसे ही लड़कियों में भी ये होता है कि बड़ी वाली जो बहन होती है उनको करनी पड़ती है 23 में शादी ताकि छोटी वाली की 28 तक खिंच पाए। घर वाले बिन क्वाइट सपोर्टिव यार, आई थिंक शुरू में बड़े हेजिटेशन उनको थी कि यार क्या करेगा यहाँ पे, बम्बई में कैसा होगा। जब 5-6 साल यहाँ पे पिक्चर नहीं मिली थी तब तो और काफी स्ट्रेस था। 5-6 साल नहीं मिली क्या? हाँ, मतलब मैं जब आया था एक पिक्चर करने के लिए आया था, मैं 21 साल का था। तो घर पे क्या बोला आपने कि हो गया बस तमीज से बात करना? घर पे बोला ये सब ठीक है, पैसे कितने मिल रहे? अच्छा, ओ मैंने कहा अरे काम तो होने दो। तो उनको वही फिक्र है कि करेगा क्या, तो खाएगा कैसे, कहाँ रहेगा, क्या होगा, सब स्ट्रेस। तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ा कि भाई लिजिट है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये है, साइन करो, ये सब करके। तो उनको भी थोड़ी काफी तकलीफ हुई, बिलीव नहीं हुआ कि भाई ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे ले ले पिक्चर में। तो आधा सच था आधा नहीं था, बिकॉज चले तो गए, पिक्चर बनी नहीं, तो उस टाइम पे हीरो नहीं बने फिर। अच्छा। तो 8 महीना करी प्रैक्टिसिंग, करी 8 महीना वहां पे रहे, और फिर उन्होंने कहा यार कि हमारे डायरेक्टर साहब तो कुछ और बना रहे हैं, आपकी फिल्म कोई और बनाएगा। तो फिर यार कुछ पता नहीं क्या, मैं कहूँगा इंस्टिंक्ट्स थी या कुछ थी, कि होता ना 21-22 साल का आदमी थोड़ा जुनूनी थी, एक साल हो गया अभी कैसे यार, नहीं नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ में भी। तो बैठा मैंने कहा यार आई डोंट बिलीव इन दिस प्रोजेक्ट एनी मोर, मैं जा रहा हूँ ऐसे। कहते अबे कौन है तो कौन है, बिलीव नहीं, बिलीव नहीं होता, कौन बिलीव, चुप रहो, चुपचाप। तो कॉन्फिडेंस चल पड़े वहां से कि अब क्या करेंगे, अब निकल गए वहां से, उनका घर छोड़ना पड़ा, पर दोस्तों के यहाँ रहे जो दिल्ली के काफी थोड़े 2-3 दोस्त थे जिनको जानता था, और उनके बड़े 1-bedroom शेयर करे। और फिर वहां पे समझ आई कि यार एक ऑटो रिक्शा राइड पे किसी ने बोला, किसी एक्टर का मेरे को प्रोसेस सुना रहा था मेरा दोस्त। मैंने कहा तुझे कैसे पता यार? तो कहता है जब मैं असिस्टिंग कर रहा था ना उस पिक्चर में तब मेरे को पता चला। तो मैंने कहा ये क्या होता है? तो फिर उसने बताया असिस्टेंट डायरेक्शन, यू नो सेट पे आप इतनी काम क्या क्या काम करते हो। तो वहां से मैंने डायरेक्शन चेंज की, मेरे को कुछ टेक्निकल जानकारी नहीं थी फिल्म मेकिंग के बारे में। मेरे को जानना है कि जब नहीं होता प्रोजेक्ट, हाँ, जब नहीं मिलता 8 महीने आप, क्योंकि आप तो जब फ्लाइट में बैठे दिल्ली से, हाँ, तो आप हीरो बन गए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल्ली का लौंडा ऑलरेडी हीरो, हीरो। हाँ, अब तो मतलब उसका क्या प्रॉब्लम ये होता ना, जैसे मेरा उधार के साथ प्रॉब्लम था जब मैं कॉलेज में था, कि किसी ने बोला 5,000 रुपए तुमको दे देंगे,
तो खर्च तो आपने उसी मोमेंट से करना चालू कर दिया ना, पार्सल कर दिया। जब तक वो आए तब तक तो आप 6000 के कर्जे में, तो आप 1000 माइनस में ही हो आप, तो हीरो तो आप बन गए ना कि बिल्कुल बस हो गई चेंज लाइफ, आपने इमेजिन कर ली ये होगा वो होगा फलाना ढिमका। और तो प्रोसेस बहुत स्लो है फिल्म मेकिंग इन जनरल, प्रोसेस बहुत स्लो है, ठीक है। आप इमेजिन आज करते हो आता 3 साल बाद है, बिल्कुल वो भी अगर सब कुछ सही रहा तो। देन इतने दिन तक उम्मीद लगाने के बाद जब नहीं होता है, और उस वक्त तो बहुत ज्यादा आप जवान मतलब यंग थे 21 साल की उम्र, तो कैसा लगा एकदम? नहीं बिल्कुल वही मैंने कहा है, जैसे आप उस उम्र में जब होते हैं, आप लोगों को बोल चुके हैं, आप थोड़े बहुत घर वालों को भी एक फॉल्स कॉन्फिडेंस दे के आए हो, एक दोस्तों, तो दोस्तों को बता चुके, वो तो अलग कॉन्फिडेंस है, पर घर वालों को भी बोल चुके हो कि नहीं यार हो गया है, करेंगे, अरे मतलब ऐसा करके फिरवा बैठे भाई, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर ऐसे 3 महीना, थोड़ा थोड़ा एनर्जी ऐसे नीचे जा रही है, आदमी प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छा फिर कब है शूट, फिर आपको आप न्यूज़ पढ़ रहे हो कि वो डायरेक्टर साहब एक और बड़े एक्टर के साथ फिल्म कर रहे हैं, तो वो सब भी देखते हैं आपको, तो आपको पता है कि सच उल्टा हो रहा है, मतलब यू नो नॉट गेटिंग दैट ब्रेक इज समटाइम्स और लॉट ऑफ टाइम्स, दैट टाइम गुस्सा था, रिएक्शन सिर्फ गुस्सा था, पता नहीं क्यों, वो एक होता ना मे बी बचपना जो होता है कि यार नहीं हो रहा है, अच्छा मतलब कैसे नहीं हो रहा है, करेंगे यार आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं क्या करें, तो उस टाइम पे वो वाली जो एक खुन्नस रेज थी, जो शायद एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी बना, क्योंकि मैं जब निराश भी होता था तो उसको कहीं ना कहीं वो गुस्सा करके मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं यार कोई रास्ता ढूंढते हैं, और फिर वो असिस्टेंट डायरेक्शन का रास्ता मिला, और मैं क्योंकि फिल्म स्कूल में नहीं गया तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट फिल्म स्कूल था, बिकॉज वो एवरी डे मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं, मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं सीखने के, ना जो आप इतने भूखे होते हो वो करने की, यार मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं, शाहरुख खान परफॉर्म कर रहा है यार, यू नो काजोल इज परफॉर्मिंग एट दैट टाइम, लाइक करण जौहर इज डायरेक्टिंग सच अ बिग सेट, एंड वहाँ पे बैकग्राउंड को हम कर रहे हैं वॉकी लगा के, तो इट वॉज आई थिंक द बेस्ट टाइम दैट आई हैड, वो जो 5 साल स्ट्रगल भी थे और उसके साथ साथ मैं कहूँगा एक मेरे बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, बिकॉज अब आप इतने इतने हंग्री होते हो इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको कुछ भी कोई बोल दे तो वो आपके साथ एक मतलब 1 महीना निकल जाता था, कोई तारीफ कर दे आपकी कि यार ये आपने एकदम सही किया। फिर जब आप सेट पे पहुंचते हो तो मुझे तब काम दिया गया था क्लैप का। क्लैप का यूज क्या है एक बार बता दो कि क्लैप का यूज क्या? क्लैप का यूज है बिकॉज जब आप एडिटिंग करें या साउंड करें उसमें तो आपके पास एक कोड्स होते हैं, रेफरेंसिंग होते हैं कि इस सीन से है, इस बार कोड से है, इस टाइम पे, बिकॉज आपके पोस्ट प्रोडक्शन में वो काम आता है कि एडिट करते टाइम कि वो नंबर से वो पहचानेगा, नंबर से ये सीन नंबर है, इसका ये वाला टेक है, करेक्ट करेक्ट, तो आप साउंड उससे मैच कर सकते हैं, अदरवाइज कभी कभी आपके हर टेक में अलग अलग साउंड होती है तो आपका वो मैच नहीं कर सकते, तो एडिटिंग बहुत फायदा है, इसलिए क्लैप होती है, इसलिए क्लैप होता है, तो बहुत जरूरी है। अब वो तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं, वो भी फिर से किसी को नहीं बोलना था कि कैसे बोलना है क्या करना है, तो वो सारा प्रेशर क्लैप बॉय पे आता था उस टाइम पे, और उस करके शाहरुख सर हो रहे हैं यार ये बोलना है, तो फिर कभी मैं ये क्लैप करना भूल जाता था, कभी उसमें फंबल कर रहे हो फिर से बोल रहे हो सीन नंबर जैसे जैसे, अरे मतलब अरे बैंड उसको तो सीख, वो सिंपल से काम को सीखने में आदमी को मतलब 10 दिन लगता है कि अब तो कॉन्फिडेंस से मतलब बोलूंगा, शांत हो जाए सब लोग, पर और फिर ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर एक हाथ से शाहरुख सर भी बहुत स्वीट थे क्योंकि वो भी देखते थे कि यार थोड़ा नर्वस है, दिल्ली का लड़का है ऐसा ये सब, तो हाँ अच्छा, तो फिर मेरे को कभी कभी क्लैप, उनको पता है कि उनका क्लोजअप है और मैं तब इतनी समझ नहीं थी, तो क्लोजअप होता था, मेरा क्लैप इधर होता था छाती पे, वो कैमरा में ही नहीं, तो थोड़ा ऊपर करते थे यहाँ पे, हाँ ऐसा करके ऐसा, थैंक यू सर, वहाँ पे एक तस्वीर भी है ऐसी हमारी कि हम लोग एलए में थे और शाहरुख सर वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, मैं ऐसा दूर से क्लैप दे रहा हूँ ये सब, तो बहुत अमेजिंग मेमोरीज है सेट पे। उनसे मिलने का अनुभव कैसा आपसे, शाहरुख खान से? शाहरुख सर से मिलने का भी सेट पे लॉस एंजलिस में हम लोग मिले थे, उनका पहला दिन था वहाँ पे और हमारी 3-4 दिन की शूटिंग हो चुकी थी, तो मैं अपनी क्लैप की ट्रेनिंग करके आया था कि उनके सामने फंबल नहीं करना है। तो ही वॉज वेरी स्वीट यार, वो खुद उनके आई थिंक जो एक वॉर्म्थ है उनकी दिखती है, यू नो उनकी परवरिश हो या वो जिस तरह से सबको कंफर्टेबल करते हैं अपने आसपास, तो वो पहले दिन तो बात नहीं कर पाया, चुप था, तो मैंने आई थिंक 3-4 घंटे बाद ऐसे ही वो कॉफ़ी पी रहे थे, तो मैं बहाना ढूंढ रहा हूँ दिल्ली का हूँ, तो वहाँ से बिस्किट लिया और सर बिस्किट ऐसे नहीं उन्होंने लिया नहीं अच्छा। मैं भी थोड़ा दुखी था कि नहीं लिया यार, खाते बस ले खाते नहीं होंगे, रख दिया मैंने वहाँ पे, मैं भी वैसे ही कहानी बोल रहा था कि ये नहीं खाते हो ना इसमें, ये वो फेवरेट वाला नहीं है उनका, तभी नहीं खाया। बट जैसे हम शूटिंग करना शुरू करें एक लोकेशन पे,
तो जैसे कभी कभी मैंने ऐसे आपको क्लैप देना होता है और तो आप नीचे बैठे होते हैं जमीन पे वेट कर रहे हैं कोई बोले तो क्लैप दो रेडी अभी रहे, और शाहरुख सर और मैं ही थे उस लोकेशन पे, कहीं कहीं सड़क पे था, तो वो अचानक से उन्होंने एकदम से बात करनी शुरू कर दी मुझसे कि यू नो हमेशा पहले आके लोकेशन देखो, प्रॉप देखो, कुछ यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. तो पहले मेरे को समझ आया, मैंने कहा यार तो हम दो ही लोग हैं, किससे बातें कर रहे हैं. तो मैंने कहा टू मी, तो मैंने कहा बोला मैंने कहा सर हाँ मैं कह रहा हूँ जब अगर, क्योंकि तब उनको पता चला कि मुझे एक्टर बनना है. अच्छा. तो मुझे बड़ी स्वीटली वो ऐसे ही बोल रहे थे कि देख यूज करा कर, देख अगर तो कुछ यूज कर सकता है, देखो कुछ प्रॉप मिले या, एंड ही इज वेरी शार्प लाइक दिस, सो ऑन द स्पॉट बहुत चीजें बनाते हैं. तो वहां से मेरा उनके लिए जो रिस्पेक्ट और यू नो वैसे किस्म का प्यार और बड़ा है कि यार मतलब करते करते एक लाइन बोली तो नोट कर रहा हूँ अच्छा प्रॉप्स यूज करो एंड ऐसा करो. और फिर हमारा भी एक यू नो एज एन एक्टर एडी रिलेशनशिप की एक बहुत बड़ा सेट लगाया था हमने फिल्म सिटी में, तो उसके वीएफएक्स शॉट्स थे अंडर वाटर के जो कि हमने कभी यूज नहीं किए फिल्म में. मुझे सबसे अच्छा तब लगा कि मुझे लगा मेरा प्रमोशन हो गया कि शाहरुख सर ने बोला अच्छा सिट इधर आ तू लिस्ट लेके आ नोट कर ले वीएफएक्स शॉट्स. मुझे नोट करे वीएफएक्स शॉट्स बनेगा, पेपर लाओ पेन दो अटक क्लैप रख दो करके. तो तब तक हाँ सर यस यस तो ऐसा सही है करके, तो दिस एक क्लोजअप ऐसा चाहिए, एक शॉट ये चाहिए बनेगा. हाँ ओके सर हो जाएगा हो जाएगा सर. मैं कॉन्फिडेंस रखो तो आई फेल्ट सो स्पेशल दैट जब कोई ऐसा इतना बड़ा एक्टर स्टार आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है और आपकी ग्रोथ दिखता है. लॉट ऑफ स्पेशल मेमोरीज आई थिंक वैसा मुझे कभी नहीं मिलता सीखने को अगर मैं उस काम की को मतलब हाँ नहीं कहता कि यार या कोशिश नहीं करता कि मुझे असिस्टेंट डायरेक्शन का काम मिल जाए. कि अगर एक फिल्म नहीं भी मिली है तो फिर आप कुछ ना कुछ करते रहोगे. उस रिक्शा राइड में जो आइडिया है वो भी बहुत कमाल की चीज है. बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत एक लाइफ ऑल्टरिंग मैं कहूंगा. एब्सोल्युटली बिल्कुल. कन्वर्सेशन मेरे ख्याल से पता होता अगर वो दोस्त नहीं बोलता उस टाइम पे. दिल्ली में किसी को नहीं पता असिस्टेंट डायरेक्शन क्या होती. अब लोग कहते हैं कि एक मीडियम बन गया है करके, उस टाइम पे मुझे तो नहीं पता था भाई, तब सोशल मीडिया नहीं था. और तब वो मीडियम इसीलिए बना क्योंकि यू डिड इट एंड यू मेंशनड इट करेक्ट. हाँ तो अब लोगों को लगता है कि एक रास्ता है, बट वो मतलब हो जाए आई होप लड़कों के लिए, बट ऐसा कोई गारंटी कहीं भी नहीं है. वाह साहब बहुत बढ़िया. तो पिछले साल हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें हमको उस दिन ये ज्ञात हुआ, उस दिन हमें ये जो क्या कहते हैं ये इल्म हम पे नाजिल हुआ कि रश्मिका मंदाना जो है नेशनल क्रश चल रही है. जी जी. तो अब आप क्योंकि उनके भी बहुत फैंस हैं दुनिया में, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि कैसा आपको अनुभव रहा, उनसे मुलाकात कैसी रही आपकी, क्या है थोड़ा सा अगर उस पर रोशनी डालें. जी बिल्कुल. रश्मिका जी हमारी पिक्चर में, ये उनकी पहली हिंदी पिक्चर, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. ये यस ये के ड्रामा के अलग अलग किस्म के हार्ट दिखाए भाई, ये मेरे को नहीं पता था. ये क्या है ये? ये भी है ना हाफ हार्ट ऐसा, उधर से दूसरे को आगे करना. अरे ये देखो ये रह गया था. बट आई थिंक नेशनल क्रश जो एक टाइटल है वो एप्ट है, बिकॉज एक तो उनकी मुस्कुराहट जो एक मुस्कुराती है बहुत खूबसूरत मुस्कुराती है. पहली बार वो आई थिंक ऐसे किरदार निभा रही है, पहली बार उनके रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है हिंदी फिल्म में. अच्छा गाना है इसमें? गाना है बिल्कुल, जो हमारा हाल ही में निकला है रब्बा जानदा. तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारी फ्रेश पेयरिंग है. उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आया. उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आएगी. तो क्या है ये रोड पे चल चुके हैं क्या अपन कि सिर्फ क्योंकि हमारे दादा मिलिट्री में थे तो हम या तो मिलिट्री वाला बनेंगे या सीक्रेट सर्विस या मतलब क्या है कि नहीं, क्या नहीं, है आइडिया क्या है मतलब. मिशन मजनू भी एक पेट्रियोटिक फिल्म है जैसे शेरशाह थी. हाँ. ये अभी आ रही है 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर. बट आई थिंक डेफिनेटली सबकॉन्शियसली जो हमारे रियल लाइफ हीरोज है ना उनसे एक अट्रैक्शन तो है. तो बेसिकली तो आप मिले हो क्या किसी स्पाई से? जी मैं हाल ही में जब दिल्ली में था मैं तो इंडिया गेट पर हमें एक स्पाइस को मिले जो स्टेज पे थे हमारे, तो उन्होंने किताब लिखी है. अच्छा. तो उन्होंने वही कहा कि पहले तो वही दर्शाया कि भाई इनकी लाइफ जेम्स बॉन्ड की तरह नहीं होती. अच्छा. है फिर उन्होंने मेंटल हेल्थ की बात भी करी कि अगर कोई इंसान एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाता है. हाँ. तो कैसे जब वो अपनी परवरिश छोड़कर किसी और की जिंदगी को एकदम से पहनता है अपनाता है ना वो, तो उस पर कितने असर होते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहा है. बचपन में जो घर वाला बोलते हैं ना ये बेटा झूठ में बोलो उसमें होगा, वो तो कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहा है, चाहे उसकी बैक स्टोरी हो, चाहे उसकी परवरिश हो, चाहे वो जो जिंदगी जी रहा है. जिंदगी जी रहा है
भूल जाते हैं कि वो लोग क्या है. मेरा हिल गया थोड़ा सा कि वो मेंटल हेल्थ वाली बात नहीं, कॉन्स्टेंटली आप लगातार क्योंकि आप किसी और के साथ रह रहे हो, मतलब डायनामिक और इंटेंस काम है ये. To an extent of getting married, having kids, correct. Then suddenly one day you partner को भी नहीं पता. ऐसे बहुत सारे cases हैं. क्या पता ऐसी कोई vital information से हम बच रहे हैं अभी भी. सही बात. कोई कहीं बैठा है, नौटंकी कर रहा है. Actually वो भी नौटंकी करते हैं. Spies जो हैं, real life spies are the best actors. वो तुमको second take नहीं मिलता ना. सही बात है भाई. कुछ गड़बड़ कर दी तो भाई मतलब लेने के देने बढ़ जाएंगे, मतलब फिर क्या क्या करेगा. तो वो दुनिया मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. और जितना रियल लाइफ स्पाई से बातें करी है, एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह किसी की भी लाइफ नहीं है. हर कोई अलग जिंदगी जी रहा है. कोई इनकी फिल्म आ रही है 20 तारीख को, ठीक है, मिशन मजनू, ठीक है. हाँ, देश के सबसे एलिजिबल बैचलर जो है मजनू है. और मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपने मुझसे आपका फिल्म में एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने कोई चुटकुले कोई प्रैंक्स किए, वैसे वाले सवाल नहीं पूछे. यार मुझे नहीं जमते वो सवाल. मुझे नहीं, कौन प्रैंक करता होगा अपनी फिल्म सेट पे यार, इतना काम होता है वहाँ पे, ठीक है. धूप इतनी उमस मुंबई में, इतनी गर्मी है, ह्यूमिडिटी इतनी हो रही है. पैसा कितना लगा हुआ है, पैसा लग रहा है कितना. मुझसे कोई प्रैंक करे मैं दिमाग खराब चिढ़ जाऊंगा उस आदमी. जिंदगी बात ना करूं, फनी तो मुझे लगे ना बिल्कुल बिल्कुल. मुझे काम करने दो, मुझे काम करने दो भाई यहाँ पे. तभी मैंने कहा अच्छा सवाल नहीं पूछो. हाँ हमसे भी सवाल आते हैं, हमने कोई प्रैंक किया, कोई ऐसा मोमेंट किया आपने. अरे भैया हम लोग इतने स्ट्रगल करके आए ऊपर काम करने के लिए, धूल मिट्टी उसके बीच में चुटकुले या किसी की पैंट खींच रहे हैं वो कर रहे हैं. और स्केड्यूल इतना टाइट होता है शूटिंग बिल्कुल, कि उसमें तुम्हें लग रहा है कि किस पे करें, क्या कर रहे हैं, क्या प्रैंक कर रहे हैं. लोग अपनी जिंदगी जी रहे, बड़ी बात है साहब. सब लोग टाइट बिल्कुल. तो अच्छा लगा कि ये सवाल नहीं पूछा. थैंक यू भाई, थैंक यू. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ आल्सो अगेन फॉर दिस. बट जरूर देखें साहब मिशन मजनू 20 तारीख को नेटफ्लिक्स पे आ रही है. और आपको जैसा भी हमारी बातचीत लगी उसका कॉमेंट में जरूर बताइएगा. बाकी तो बाकी हम लोग फोटो डालेंगे घर से अगली बार से, ठीक है. यस थैंक यू, ओके बाय.